दोस्तों आपने कई बार किडनी बेचकर आईफोन की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ये बात शुरू कहां से हुई, इस बात के फैलने का असल कारण क्या था? दोस्तों दरअसल ये बात 2011 की है, जब चाइना का एक लड़का जिसका नाम वांग शांगकुन था, जो कि आईफोन लेना चाहता था, लेकिन ज्यादा पैसे ना होने के कारण इसने ब्लैक मार्केट में किसी डीलर से कॉन्टेक्ट किया और अपनी एक किडनी निकलवा दी और तकरीबन 2 लाख रुपए में इसने ये बेची। फिर इन पैसों से इसने 2 iPad और 4 iPhone खरीद लिए। फिर इसके बाद वो ये पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करता है कि जब एक किडनी से काम चल सकता है तो दोनों किडनी की जरूरत क्या? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।